नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के हैरत अंगेज करने वाले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आदरणीय एसपी साहब, आपने अपने करियर में बहुत से विचित्र केसेस देखे होंगे, लेकिन हम जिस घटना के बारे में आज लिख रहे हैं वो विचित्र ही नहीं, अचंभे से भी भरी है। हम समाज की एक जागरूक महिला होने का फर्ज निभाते हुए आपसे विनती करते हैं, बिजनौर की गंगा कॉलोनी में पिछले 5 सालों से जो हो रहा है उस पे गौर कीजिए। ये 5 सालों में हुई 5 मौतों की अजब कहानी, या फिर 5 मर्डर। हम आशा करते हैं आप इस घटना के बारे में जानने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद एवं आभार, समाज की एक जागरूक महिला। लेटर में लिखकर जो दावा किया जा रहा था, क्या वो सच था? क्या वाकई 5 ऐसी हत्याएं हुई थी जिन्हें नेचुरल डेथ माना गया था? ये केस अपने आप में चौंकाने वाला था कि एक आदमी अपने आप को औरत बताते हुए पुलिस तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या वो लेटर पुलिस अधिकारियों तक पहुंचने वाला था? इस केस की पृष्ठभूमि पर किन गुनाहों की साजिश रची गई थी? ये मेरा शहर बिजनौर एक नई पहचान लिख रहा है। कई दशकों से कच्चे घर अब नई इमारतों में बदल रहे हैं, इसलिए मेरे पापा की प्रॉपर्टी बिजनेस में खूब तरक्की हुई। ये वही शहर है जो महाभारत काल में हस्तिनापुर साम्राज्य था, लेकिन आपसी द्वेष और घृणा ने इसके पतन की गाथा भी लिखी। लेकिन मेरा परिवार बहुत खुशहाल था, और मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था आखिर मेरे परिवार को किसकी नजर लग रही थी। मीना, ये तू क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है अनुज? हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं और तुम यहाँ पर। देखो, हमारे कहने का वो मतलब नहीं, हम जानते हैं कि हम ही इस बच्चे के बाप, लेकिन यही ना कि तुम हमसे शादी नहीं कर सकते हैं। देखो, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए नहीं तैयार हों, और क्या तुम हमारे साथ भाग सकती हो? नहीं भाग सकती ना, इसीलिए कह रहा हूँ मेरी बात मानो और इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दो। जी, ठीक। रीना, तुम ऐसा करो, ध्रुव के हाथ उनका टिफिन ना ऑफिस भिजवा दो। ध्रुव है कहाँ? माँ, वो बाहर खेल रहा होगा, लाओ टिफिन हम दे आते हैं। मीना, ऐसी हालत में बाहर जाना ठीक नहीं है तुम्हारा, तुम चुपचाप बैठो। सोना। हाँ माँ। देख बेटा, कहाँ है ध्रुव? अच्छा, हम देख आते। क्या हुआ तुझे? तू इतना भागते हुए कहाँ जा रहा है? दीदी, वो मुझे पोटी लगी है। हैप्पी होली। दीदी, शादी के बाद ये आप लोग की पहली होली है, आप भी तो जीजा जी को गुलाल लगाओ, देखो कितने चिकने चिकने सूखे हैं ये। बहुत थोड़ा। और हमारा क्या? हमारे पास तो पिचकारी है, आज आपको नहीं छोड़ेंगे। प्रणाम भाभी, होली की बहुत बहुत बधाई है। आपको भी देवाजी बहुत बहुत बधाई, खुश रहे। अरे भैया। अरे बाबा जी। बाबा जी। अरे बाबा जी। प्रणाम। जीते रहे, सौभाग्यवती, खुश रहे।
नास्तो विद्यते भावे ना भावो विद्यते सतः। अरे मास्टर जी आइए आइए, होली मुबारक हो, होली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हम आते हैं, मेहमानों को भी पूछते रहना। हेलो, हैप्पी होली पार्वती। विनोद जी, हैप्पी होली नहीं कहोगे हमें? हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हमको फोन मत किया कीजिए। हम ध्रुव के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। सबने कहा कि इस पे हमारे बच्चे का बुरा असर पड़ेगा, लेकिन ध्रुव पे क्या गुजर रही थी ये हम कभी समझ ही नहीं पाए। ध्रुव के जाने के बाद कब 2 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। माँ, ऐसे कैसे चलेगा? आप कब तक ऐसे बुद्ध बने रहेंगे? अपने आप को संभालिए माँ। पार्वती, मीना सही कह रही है। अभी कुछ दिनों बाद ही सोना की शादी होने वाली है। अब इतनी मायूसी बिल्कुल अच्छी नहीं। पापा, हम आपको पहले ही शादी के लिए मना कर चुके हैं, अब काहे हमें हमेशा शादी के लिए। जो मीना की तरह से नौटंकी की, इस घर में आज तक वही होता आया है जो हम चाहते हैं, और आगे भी वही होगा जो हम चाहेंगे। चलो शोभराज। हर जगह देख लिया, सोना कहीं नहीं है। उसका फोन अभी भी बंद आ रहा है। रीना, सच बता, सोना कहाँ गई है? अरे पापा, हम सच बोल रहे हैं। हम जब सुबह उठे तो सोना अपने रूम में नहीं थी। वो शायद सुबह सुबह ही कहीं चली गई होगी। तो लड़की गई कहाँ? सोना! सोना का सुसाइड नोट जिस कागज पर लिखा गया था, वैसे ही कागज सोना के कमरे में मिले थे। ये मान लिया गया था कि जो सोना की हैंडराइटिंग है वो भी सुसाइड नोट के हैंडराइटिंग से मैच करती है। पुलिस ने इसे सुसाइडल केस मान के जल्दी ही बंद कर दिया था। वहीं ध्रुव के बाद सोना की मौत से ये परिवार और ज्यादा बिखर गया था। गुजरते वक्त के साथ दुख को स्वीकार करके सब जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रहस्य गहराते जा रहे थे जो आगे जाके कई मौतों के लिए जिम्मेदार होने वाले थे। छोड़ेंगे नहीं हम।
बाबूजी बाबूजी आराम से आराम से आराम से आराम से संभालिए अपने आप को आराम से बैठिए पापा ये सब क्या है आपको पता है आपकी नशे की लत इस घर को ले डूबेगी एक दिन अरे अब क्यों नहीं समझते नशा करने वाले इंसान का दैवी शक्ति बहुत अहित करती है मैं इससे ज्यादा और क्या अहित होगा सब कुछ तो बर्बाद हो गया सब कुछ खत्म हो गया हेलो हम तो चाहते थे कि हमारे बेटे हमारी बेटी रीना सोना सबका बुरी नजर हमको लग जाए आप एक बार गुरुजी से मिलकर देखिए हम कह रहे हैं ना इसके बाद कुछ भी बुरा नहीं होगा हमको किसी से नहीं मिलना माँ आप कहाँ जा रही हैं माँ हमारी क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ एक एक करके सब खत्म हो जाएगा विजय एक एक करके सब कुछ खत्म हो जाएगा कोई नहीं बचेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा भैया ये ऐसा अशुभ क्यों बोल रहे हैं सब कुछ खत्म हो रहा है सब कुछ खत्म हो रहा है हमको मारना चाहिए हीरा ये क्या हालत बना ली अब तू नहीं मेरे परिवार को मारा है ना अब तू हमको मारना चाहता है नहीं तेरे घर वालों क्या है नहीं तेरी हालत पे तरस खा के छोड़ रहा हूँ तुझे एक सेकंड में ना जेल में पहुंचा दूंगा तुझे समझा देखिए जाए इसे मीना अपने आप को इतना तकलीफ क्यों दे रही हो पिछले 12 घंटे से लगातार तुम पूजा किए जा रही हो बिना कुछ खाए पिए चलो पहले कुछ खा लो मीना हमारी बात तो बिना दे मुझे भाग मीना मीना तुम ठीक तो हो ना हाँ क्या हुआ कुछ नहीं चाय चाय देने आया था मैं के कहाँ जा रहे हो पापा को चाय देने क्या हुआ कुछ नहीं हुआ और 3 महीने बाद एक खत जिले के एसपी को भेजा गया जिसने पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी एक अननोन लेडी ने यह लेटर मुझे पोस्ट किया अकॉर्डिंग टू दिस लेटर बिजनौर के गंगा कॉलोनी में पिछले 5 सालों में एक ही फैमिली के 5 लोगों की मौत हुई है जिसे नेचुरल डेथ मान लिया गया है लेटर लिखने वाली चाहती है कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करें शायद उसको अपनी जान का खतरा है इसलिए उसने अपनी पहचान गुप्त रखी सर अपनी पहचान गुप्त रखी है समझ सकते हैं लेकिन जिस भी औरत ने यह खत लिखा है उसने जिस फैमिली का जिक्र किया गंगा कॉलोनी में ये फैमिली एग्जैक्टली कहाँ रहती है एड्रेस मेंशन नहीं और जो मौतें हुई हैं उनमें से किसी के नाम का जिक्र नहीं तो क्या हमें इस लेटर को सीरियसली लेना चाहिए पता लगाओ कि अकॉर्डिंग टू दिस लेटर मैटर में कितनी सच्चाई है श्योर सर क्या हुआ क्या हुआ मीना लेट हो रहा है मुझे
गया, बस जाऊं। हेलो मीना, नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसे किसी फैमिली की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके यहाँ 5 फैमिली मेंबर्स की मौत हुई है। फिर भी आप एक काम करिए जी, पिछले 4 सालों में गंगा कॉलोनी से रिलेटेड जितने भी केस फाइल हुए सबकी डिटेल्स दीजिए। पुलिस ये तो नहीं जानती थी कि खत लिखने वाला एक औरत नहीं आदमी है, लेकिन फिर भी पुलिस उस खत के पीछे की सच्चाई जुटाने में लग गई। लेकिन सामने आने वाला एक एक सच पुलिस को एक एक भूल भुलैया में फंसाने वाला था। हमने तुमसे पहले ही कहा था उस क्रिमिनल रस्तोगी का केस हम नहीं लड़ रहे, फिर भी तुमने उसका एडवांस ले लिया। पापा, अरे बेटा कहाँ भागे जा रहे? अरे राज बेटा तुम यहाँ? पापा हमें ना शॉप की चाट खानी है जो ऑफिस से घर आते आते ले आते हो। हाँ बेटा जरूर खिलाएंगे। एक काम करो, इसे बगल वाले कैबिन में ले जाओ, हम अपना काम निपटा के आते हैं। जाओ बेटा मामा के साथ। ठीक है पापा, चल बेटा। अब तुम अभी के अभी उस रस्तोगी से जो पैसा लिया उसे वापस कर दो, समझे? और आइंदा हमसे पूछे बिना कोई भी केस मत लेना, जितनी औकात है उतना ही काम किया करो। जाओ हमारे बेटे के लिए चाट मंगवाओ। सर गंगा कॉलोनी में हीरा सिंह नाम की फैमिली, एक ही फैमिली के 3 लोगों की मौत हुई और उस खत में 5 लोगों की मौत का जिक्र है, तो मुमकिन है कि बाकी 2 लोगों की मौत भी इसी फैमिली में हुई। चाचा जी, पापा जी जब तक थे हमारे पास क्लाइंट्स की कमी नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद दूसरे प्रॉपर्टी डीलर्स ने हमारे सारे क्लाइंट्स अपनी तरफ मोड़ लिए। बेटा हम जानते हैं तुम अकेले पड़ गए, इसलिए हमने सोचा है कि अब से हम भी भैया का काम संभालेंगे। जी सर। आदिल खान, कुछ बात करनी थी आपसे। आप जी आइए ना प्लीज। रुकिए, अंदर आने से पहले अपने जूते बाहर उतार दीजिए। ठीक है। सर आप लोगों ने बताया नहीं आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। देखिए हमें सूचना मिली है कि आपके परिवार में जो 5 मौतें हुई थी दरअसल वो कत्ल थे। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपको ये सूचना किसने दी है? वो जाने दीजिए, जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए। देखिए सर, हम अपने परिवार को खोने के दुख से अभी उभर ही रहे हैं, वापस से वो सब याद नहीं करना चाहते। तो आप मान रही हैं ये 5 मौतें नेचुरल डेथ थी? हत्याएं होती तो हम यहाँ क्या चुपचाप बैठे होते? देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है। धन्यवाद। लेकिन हम ये कैसे मान सकते हैं कि हत्याएं हैं? बस नीता, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई, उन पांचों में से एक इस बच्चे की मौत हुई, वो भी सांप के काटने से, और मौत के वक्त इस बच्चे की उम्र 10-12 साल रही होगी, और हिंदू फैमिलीज में इतनी कम उम्र के बच्चे को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है, करेक्ट? राइट सर। सुनीता पता लगाओ ध्रुव को कहां दफनाया गया। सर कहां? सर हीरा सिंह के छोटे भाई विजय सिंह ने फोन किया, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सर उस समय हम मीना की वजह से आपसे बात नहीं कर, पर सर हमें शुरू से लग रहा है कि ये सब डेथ नेचुरल नहीं थी। अगर ये सारी डेथ आपको लग रहा था कि नेचुरल नहीं है तो आपने तफ्तीश की मांग क्यों नहीं की? ध्रुव, रीना, सोना और पार्वती भाभी की मौत तक हमें ऐसा नहीं लगता था, लेकिन भैया की मौत से पहले उनका यहाँ के निगम पार्षद सुजॉय के साथ झगड़ा हुआ था, इसके कुछ दिनों बाद भैया की भी मौत हो गई। सर तब से हमें इस सुजॉय पर शक हो रहा है, और 4 साल पहले भैया इसके खिलाफ नगर पार्षद के इलेक्शन में भी खड़े हुए। क्या तमाशा लगा बे? रास्ता साफ करो। रास्ते में तुम हमारे आए हो, तुम रास्ता साफ करो। अरे जरा नेताजी को इनके औकात दिखाओ रे। उस सुजॉय को भैया से अपनी हार का खतरा था, और उसके लिए उसने भैया को चुनाव से हट जाने की धमकी भी दी थी, पर भैया नहीं माने, और फिर उसने कोई धांधली की और चुनाव जीत गया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो हीरा और उसके परिवार से दुश्मनी क्यों निकाले? क्योंकि भैया उसकी यह धांधली सारी दुनिया के सामने लाना चाहते थे, लेकिन तभी होली के दिन ध्रुव की मौत हो गई, और सर
उसके बाद एक के बाद एक। अच्छा ये बताइए कि आपके परिवार में या आपके जानने वालों में से कोई ऐसी औरत है जो चाहती है कि इस केस की तहकीकत हो? औरत? जी नहीं सर, वो तो मालूम नहीं। पर सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? चाट कैसे लगी? बहुत अच्छी थी। चलो कमाल है इंस्पेक्टर साहब, आप किसी भी अरे गहरे के बात में आके एक रिप्यूटेड लीडर पे शक कर रहे हैं। देखिए आप हमें जानने के बजाय हीरा की बड़ी बेटी और उसके पति को जानने की कोशिश कीजिए। हम उसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी। तुम्हें क्या लगता है हमें इस केस में आगे बढ़ना चाहिए? सर एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हुई है। आई डाउट कि पांचों के पांचों नेचुरल डेथ रही हूं। सर आई स्ट्रांगली फील कि हमें मामले की तह तक तो जाना चाहिए। डू यू हैव एनी प्लान्स? यस सर। सर जो पांच मौतें हुई थी उनमें एक मौत एक 10 साल के बच्चे की हुई थी, ध्रुव की। सर उसकी लाश को जलाया नहीं गया था, दफनाया गया था। अगर हमें उस बच्चे के अवशेषों की फॉरेंसिक जाँच की परमिशन मिल जाए। ठीक है, मैं परमिशन का अरेंजमेंट करता हूँ। मीना जी, हम जो भी कर रहे हैं कोर्ट की परमिशन से कर रहे हैं। हम आपको ये करने नहीं देंगे। बंद कीजिए, हम क्या संभालिए अपने आप, संभालिए मीना। शुभराज आप बना कीजिए इनको। जिस तरह से मीना रिएक्ट कर रही है मेरा पूरा शक तो इसी पे जा रहा है। जैसे वो चाहती ही नहीं है कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। हम इस केस में गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। अब अगर वाकई ये सारे मर्डर्स हैं तो कातिल जो भी है चौकाना जरूर हो जाएगा। मीना का पति शोभ राय, हीरा का भाई विजय और वो नगर पार्षद सुजय, खबरों को काम पे लगाओ। मुझे सबकी एक एक एक्टिविटी का पता लगना चाहिए। सर मैंने सोना, रीना, पार्वती और हीरा सभी की मौत के दौरान के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। सर सोना अपनी सुसाइड के दौरान एक लड़के सुधीर के साथ फ़ोन पर काफ़ी टच में थी। सर ये सुधीर है, इसका फ़ोन अब बंद आ रहा है। और सर सोना की बहन रीना के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नीता नाम की लड़की का नंबर मिला है। और सर ये नीता रीना के एक्सीडेंट सुधीर, नीता, हीरा, पार्वती इनके कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ? जी सर, हीरा का एक बिजनेस पार्टनर हुआ करता था विनोद, लेकिन सर ध्रुव की मौत के पहले हीरा और विनोद दोनों अलग हो गए थे सर। लेकिन सर फिर भी विनोद हीरा की पत्नी पार्वती को लगातार फ़ोन किया करता था। हाँ, हीरा मेरा बिजनेस पार्टनर था, हम अलग हो गए थे, पर इसका आप गलत मतलब क्यों निकाल रहे हैं? हीरा से अलग होने के बाद भी आप उसकी बीवी पार्वती को लगातार फोन कर रहे थे, कहीं उसकी बीवी पार्वती के साथ आपका कुछ अफेयर? आप बकवास कर रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कुछ उनके फैमिली में हो रहा था और हीरा मुझसे मनमुटाव करके बैठा हुआ था। पार्वती मेरे कॉलेज की फ्रेंड थी, इसलिए मैं उसे फ़ोन करके उसकी सलामती की खबर लेता था। मुद्दा तो वही है, कोई भी सलामत नहीं रहा, ना आपकी कॉलेज फ्रेंड पार्वती, ना ही बिजनेस पार्टनर हीरा। इस बात का अफसोस हमें भी है सर, पर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैम उस दिन मैं रीना से उसी रोड पर मिली थी, वो मुझसे मिलकर जा ही रही थी कि एक वाइट रंग के टेम्पो से उसका सोना है सुधीर नाम के लड़के से टच में थी। तुम जानती हो उसे? हमारा सोना के बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था, लव ट्रायंगल था ना, तो तुमने और उस लड़के ने मिलकर सोना को मार दिया होगा। नो मैम, मैं इसको नहीं जानती। सर सुधीर के मोबाइल नंबर पे जो एड्रेस रजिस्टर्ड था वहाँ तो ताला लगा हुआ है। सोना की मौत के बाद से सुधीर कहीं शिफ्ट हो गए। किसी भी सूरत में पता करो सुधीर इस वक्त कहाँ है। साहब सिर्फ विनोद ही हीरा का बिजनेस पार्टनर नहीं था, बल्कि उसका बेटा अनुज भी मीना का लाइफ पार्टनर बनने वाला था। और हाँ, ये अनुज और मीना दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ सर, हम और मीना एक दूसरे से प्यार करते थे। जिस दिन हम तुम्हारे घर आए थे तुम्हारे फादर से पूछताछ करने, तब तो तुम चुपचाप पीछे खड़े रहे, तब क्यों नहीं बताए? सर ये हमारी पर्सनल बातें हैं सर, आप क्यों घुस रहे हैं इसमें? ओए पर्सनल के बच्चे, जिस लड़की से तू प्यार करता था ना उसके परिवार के पाँच लोगों की मौत हुई और वो पाँचों के पाँचों मर्डर हो सकते हैं,
ज्यादा पर्सनल किया ना, अभी लॉकअप में डाल दूंगा। सर आप जानना क्या चाहते हैं? यही ना कि हमने उसके साथ शादी क्यों नहीं की, हम बताते हैं आपको। उसकी बस इतनी वजह है कि मीना के पापा को हमारे फादर से चिढ़ हो गई थी, अब उसका कारण है वो शोभराज। मीना मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, इस शोभराज ने हमारे बीच में गलतफहमी पैदा की है। मैं तेरी नीयत को अच्छी तरह जानता हूँ। हीरा, मीना और अनुज एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं, हमारे बीच की मनमुटाव के कारण इन्हें क्यों सजा देते हो? हमने पहले भी कहा था ना, इन दोनों की शादी करा देते हैं। खबरदार, जो तेरी और तेरे बेटे की जुबान पर मेरी बेटी का नाम आया। सर शोभराज ने मीना के फादर को शीशे में उतार रखा है, वरना आप खुद ही सोचिए ना कि एक मामले से एम्प्लॉय के साथ कौन अपनी बेटी के साथ शादी करेगा। हम ये बात आपको उसी टाइम बताने वाले थे, लेकिन हमको लगा कहीं आप हम पे ही ना शक कर लें, इसीलिए हम चुप रहे। ठीक है, बिना बताए शहर से बाहर मत जाओ। ओके सर। जाओ। बोलिए। मीना, मीना तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही? देखो हमारी तरफ। मीना माना कि हमने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन हम तुमको नहीं खोना चाहते। मीना देखो ना, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाए। पता नहीं सर ये सब कैसे हो गया। मीना का 3 बार मिसकैरेज हुआ, हमने मीना के डॉक्टर से बात की, डॉक्टर का कहना है कि शी इज क्वाइट वेल, तो फिर इस तरह से एक के बाद एक मिसकैरेज होना। सर लगता है कि हमारी फैमिली को किसी की नज़र लग गई। अच्छा, तीनों बच्चे आप ही के थे? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर। देखिए, आपकी मीना से शादी हुई फरवरी 2015 में, और मीना का मिसकैरेज हुआ आपकी शादी के 2 महीने बाद, और जो मिसकैरेज हुआ वो फिटेस 6 महीने से ज़्यादा का था। मतलब साफ शादी से पहले ही आपके और मीना के बीच में। हाँ सर, वो पहला बच्चा मेरा नहीं था। पहला बच्चा आपका नहीं था तो फिर किसका था? और शादी से पहले अगर मीना प्रेग्नेंट थी तो फिर आपने उससे शादी क्यों की? तुझे हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी करता की जान से मार रहे आप, जवान बेटी पर हाथ उठा रहे। बात अभी भी नहीं बिगड़ी, आप विनोद से बात कीजिए और मीना और अनुज की शादी की बात। बस पार्वती, उस विनोद के साथ हम कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते हैं, समझी? मीना के पेट में अनुज का बच्चा है, और आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है, कि अगर हम बच्चा गिराएंगे तो इसकी जान भी जा सकती है। पार्वती कुछ सोचते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। शोभराज। जी बाबूजी। देखो शोभराज, तुम हमारे सबसे वफादार आदमी हो, और हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी से शादी कर लो। सर मैं हीरा सर को मना नहीं कर पाया, क्योंकि उनकी बेटी की इज्जत का सवाल था। मीना तुम तो शादी करके खुश नहीं थी, और वो पहला बच्चा भी तुम्हारा बच्चा नहीं था, तो नहीं सर आप गलत सोच रहे हैं। पहले मीना भले ही खुश नहीं थी, लेकिन अब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम मीना से बात करना चाहते हैं। सर हो सके तो अभी मीना से बात मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत गहरे सदमे में। बोलो। सर मैं सुधीर के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था, तो उसमें नीता का भी नंबर मिला है, लेकिन सर नीता तो बोल रही थी कि वो सुधीर को जानती ही नहीं है। सर मैं डर गई थी, क्योंकि सुधीर को लेकर रीना भी मुझ पर शक कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या कैसा नहीं था? और रीना क्या शक कर रही थी? रीना को लगता था कि सुधीर मेरा भी बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं और सोना सुधीर के सिर्फ कॉमन फ्रेंड्स थे। जब से सोना ने सुसाइड किया है ये सुधीर गायब है, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता सर, रीना के एक्सीडेंट के बाद मैं उससे नहीं मिली, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। सर एक बार को ये मान भी लिया जाए कि सुधीर और नीता का सोना और रीना की संदिग्ध मौत के पीछे हाथ है, लेकिन उनके छोटे भाई ध्रुव और माता पिता हीरा और पार्वती, इनकी मौत के पीछे कोई मोटिव नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी सुनीता, ये सुधीर गायब क्यों है? इस सुधीर का इस तरह गायब होना मेरे शक को और भी गहरा कर रहा है। ये कहाँ गायब है? खत लिखने वाली ने अपने खत में 5 लोगों की मौत का जिक्र किया, और उसने दावा किया कि 5 के 5 मर्डर्स।
मुमकिन है पांचों मर्डर्स ना, जैसे ध्रुव, हो सकता है ध्रुव की मौत सांप के काटने से ही हुई और इसके माँ बाप। सर ध्रुव के स्केलेटन की फॉरेंसिक रिपोर्ट, सर ध्रुव की मौत सांप के काटने से नहीं हुई थी, उसके गले की हड्डी टूटी हुई है। तो मतलब हम एक ऐसे शातिर मुजरिम की तलाश कर रहे हैं जो पिछले 5 साल से कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। ध्रुव की मौत हुई 2015 में होली के दिन, और जिस दिन ध्रुव की मौत हुई उस दिन वो घर पे मौजूद था, और होली की वजह से उनके घर में काफ़ी मेहमान भी थे। तो ध्रुव का कातिल कोई घर वाला भी हो सकता है या बाहर वाला भी हो सकता है। होली वाले दिन उनके घर में जितने भी मेहमान थे सबकी लिस्ट बनाओ। सर साहब, हम तो घर के बाहर सबके साथ त्योहार मना रहे थे कि तभी अंदर से अचानक पार्वती की आवाज सुनाई। ध्रुव के गले पे जो निशान था उसे देखकर लग तो रहा था कि उसे किसी सांप ने काटा है, पर हम में से किसी ने कोई सांप नहीं देखा क्योंकि वहां कोई सांप था ही नहीं। ध्रुव की मौत सांप के काटने से नहीं हुई। क्या आपने ध्रुव के कमरे में किसी को आते जाते देखा था? नहीं सर, लेकिन हाँ सर, ध्रुव के मास्टर जी आए थे और उसके बारे में पूछ रहे थे। सर मैं ध्रुव के बारे में पूछ जरूर रहा था, लेकिन उस दिन उससे मिला नहीं था। मुझे तो सब कुछ उसकी मौत के बाद पता चला। आप ध्रुव के ट्यूशन टीचर थे ना? हाँ सर। तो उसकी बहन सोना को बार बार फोन करते थे, क्यों? मैं ध्रुव से बात करने के लिए सोना को फोन करता। सोना तो रही नहीं जिससे हम कन्फर्म कर सकें कि आप कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं। सर मेरी वजह से ये केस रीओपन हुआ और आप मुझे पे शक कर रहे हैं। आपकी वजह से? ओके सर। सर वो SP साहब को लेटर मैंने ही लिखा था। लेकिन वो खत तो किसी औरत ने लिखा था। मैं अपनी पहचान छुपाना चाहता था, मुझे अपनी जान का खतरा था। मैं नहीं चाहता था कि क्रिमिनल मुझे भी मार डाले। सर कौन क्रिमिनल? गंगा कॉलोनी में जितनी सर, समीना के फीटस की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। फीटस में एकोनाइट की ट्रेसेस मिले। एकोनाइट? जी सर, ये एक जहरीला फूल होता है। इसका इस्तेमाल देसी दवाई बनाने में किया जाता है, और अगर किसी को ये ज्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो काफी घातक सिद्ध होता है। तो मतलब मीना को कोई एकोनाइट नाम का जहर देकर मारना चाहता था, और उसका असर उसके बच्चे पर हुआ और बच्चा मिसकैरेज हो गया। और सवाल यह है कि मीना को यह जहर दिया किसने होगा? सर शायद उसके पति शोभराज ने ही दिया, खाने की किसी चीज में मिलाकर। आप शोभराज के बारे में से सोच भी कैसे सकते हैं? आप तो शोभराज से शादी करना भी नहीं चाहती थी। आपने शोभराज से शादी की अपने फादर की कहने की वजह से, वो भी तब जब आपके पेट में अनुज का बच्चा था। हम मानते हैं कि हमारा पहला बच्चा अनुज से था, लेकिन अनुज हमारा बीता हुआ कल है और शोभराज हमारा आज। मीना जी, आपको एकोनाइट दिया गया। एकोनाइट एक किस्म का जहर, आपका मिस कैरेज उसी वजह से हुआ। ऐसा कौन हो सकता है जो आपको ये एकोनाइट का जहर दे सकता है? दिनेश, एक एक चीज की तलाशी लो, कोई भी चीज छूटे ना। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारा भांडा फूट गया केसरी बाबा, तुमने मीना के बच्चे को एकोनाइट देकर मारने की कोशिश की। सुमित ले चलो इन्हें। अरे मैडम, दिनेश आप मार दो ना हमने। मीना, आज तक तुमने जो कुछ भी कहा हमने माना, हमारी हमारी एक बात मान लो, यहां से कहीं दूर चलते, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। शोभराज, हम अपने पुरखों की जमीन और घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सकेसरी बाबा के आश्रम से जितनी भी दवाइयां मिली थी सभी का फॉरेंसिक कराया, लेकिन किसी में भी एकोनाइट की ट्रेसेस नहीं मिले। हो सकता है उसे भनक लग गई हो और उसने वो सारी दवाइयां वहां से हटा दी। सर केसरी बाबा ने अपने फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया था। हमने डेटा रिट्रीव करवाया, उसके फोन से ध्रुव के कुछ वीडियोज मिले। ध्रुव का वीडियो तुम्हारे मोबाइल में क्या कर रहा था? क्या करता था बच्चे के साथ? वो किसी को कुछ बता रहा था, इसलिए उसका वीडियो रिकॉर्ड करके उसको डरा के रखता था मैं। बाद में उस बच्चे को मार दिया। उस बच्चे को नहीं, उस बच्चे के परिवार को भी मार दिया। मैंने किसी को नहीं मारा था। सुमित थोड़ा। इतने सालों तक वो बाबा हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा और हम समझ ही नहीं पाए। लेकिन जब शोभराज का एक्सीडेंट हुआ तब तो केसरी बाबा हमारी कस्टडी में था।
फिर सर ऐसा कौन चाहता है हमारे परिवार को? आपको तो लगता नहीं था कोई आपके परिवार की हत्या भी कर सकता है, और अब हमें भी लगता है कि कोई हमारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। देखिए अगर ऐसा है, सर शोभराज की हालत काफी क्रिटिकल है, डॉक्टर ने बताया इट वाज अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट। कुछ पता चला एक्सीडेंट हुआ कैसे? नहीं सर, लेकिन वर्मा क्राइम सीन पर है, उसने वहाँ पे कई विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए हैं। क्राइम सीन के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबके फुटेज खंगाल, लेकिन किसी भी सूरत में पता लगाओ इस एसयूवी का मालिक कौन है। सर मुक्तेश्वर ट्रैफिक पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है, शोभराज के एक्सीडेंट के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने उसी रूट पर एक ग्रे एसयूवी का चालान काटा जिसकी हेडलाइट टूटी हुई थी। हो सकता है वही एसयूवी हो। इतना शातिर खेल खेल रहे थे तुम, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए खुद का एक्सीडेंट प्लान कर लिया। मैंने वही किया जो 18 साल पहले हीरा सिंह ने मेरे फैमिली के साथ किया था। हीरा सिंह मेरे पापा का नौकर था, उसने फिर वहां से अनाथ आश्रम एक परिवार ने मुझे गोद लिया, और जैसे ही मैंने होश संभाला मैं हीरा सिंह से बदला लेने निकल पड़ा। मैंने उससे नौकरी मांगी और उसके लिए इतनी मेहनत की कि मैं उसका वफादार बन गया। उसके बाद उसने मुझे खुद अपना दामाद बना लिया। मैं उसके पूरे खानदान को तबाह करना चाहता था और शुरुआत की कि मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे भागने में उसकी मदद करूंगा, ताकि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाए तो मैं सुसाइड नोट को उसके पापा को दिखा के ये कह सकूं कि सोना मर गई। जब मैंने सोना को धक्का दिया तो उसके पर्स में मैंने वो लेटर भी डाल दिया। सबको लगा सोना ने सुसाइड किया, लेकिन रीना नहीं मान रही थी। रीना लगातार अपना हाथ पैर चला रही थी कातिल को पकड़ने के लिए, और इसीलिए मैंने उसको भी बहुत नफरत भरी है तुम्हारे अंदर। लेकिन तुमने अगर हीरा के खिलाफ कानून की मदद ली होती तो कानून ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता साहब, फांसी। लेकिन मैं तो हीरा सिंह और उसके पूरे खानदान को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। बच्चों के मन में बैठी बात को मिटा पाना आसान नहीं होता, और जब बात इतने भयानक अपराध की हो तो उसका असर विनाशकारी होता है। शोभराज की प्रतिशोध की आग में एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं, खुद उसकी जिंदगी, उसके रिश्ते भी बिखर गए। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के अगले एपिसोड के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।